भरत जी को आता देखकर निषाद राज जी लड़ाई की तैयारी कर लेते हैं और पूरी सेना तैयार कर लेते हैं कि भरत जी आएंगे, आज मैं उन्हें गंगा पार नहीं करने दूंगा, सामने से मैं डट जाऊंगा, साइड से मेरे सारे समाज के लोग आ जाएंगे, हम युद्ध करेंगे। और उनके पास छोटे छोटे धनुइयां हैं और छोटे छोटे बाणों से भरा हुआ तरकस है, लेकिन उनका हृदय श्री राम जी की सेवा में लड़ने के लिए बहुत बड़ा है। तो लेकिन एक बुजुर्ग ने कहा कि पहले आप भरत जी का स्वभाव तो जान लीजिए, भेद जान लीजिए, क्या पता वो लड़ने ना आ रहे हो, राम को ढूंढते हुए आ रहे हो, और मुझे उम्मीद है कि आज लड़ाई नहीं होगी। और ऐसा ही हुआ, जब भरत जी निषाद राज के सामने पहुंचे तो गुरु वशिष्ठ ने कहा कि ये राम के मित्र हैं। ऐसा सुनते ही भरत जी और निषाद राज जी अश्रुओं से जल बहाने लगे। निषाद राज ने दंडवत किया, भरत जी के सामने लेट गए निषाद राज जी। भरत जी ने उनको अपना हृदय भर कर हृदय से सीने से लगा लिया। निषाद राज जी से मिलके भरत जी मानो ऐसा महसूस कर रहे हैं जैसे उन्हें लक्ष्मण जी मिल गए हो। सभी लोग निषाद राज जी को वहां पे लक्ष्मण की भांति प्रेम कर रहे हैं। राम जी की माताएं, भरत जी, अन्य सभी लोग लक्ष्मण जी की भांति निषाद राज से प्रेम कर रहे हैं। अब भरत जी वहां पे क्या ढूंढ रहे हैं? निषाद राज जी ने भरत जी की सेवा में बहुत सारा कंदमूल फल और अन्य पदार्थ सेवा में प्रस्तुत किए, लेकिन भरत जी की निगाह सेवा में नहीं गई। वो कहाँ ढूंढ रहे हैं? उनके प्रभु के चरणों की रज कहाँ है? प्रभु कहाँ बैठे होंगे, कहाँ लेटे होंगे, कहाँ स्नान किया होगा? भरत जी ने उस राम घाट का भी दर्शन किया जहां पे प्रभु श्री राम ने संध्या स्नान किया था। श्री राम जी उस जगह को देखकर बड़े उमंग में भरे जाते हैं। फिर समस्त नगर के लोग मंत्री आकर उस स्थान को देखते हैं जहां पर श्री राम जी ने स्नान किया था। अब लोगों ने जहां तहां डेरा डाल दिया, निषाद राज ने सबके रहने की व्यवस्था कर दी। भरत जी ने जब ये जाना कि सब लोग सही से सेटल हो गए हैं, सब लोग आराम से टिक गए हैं, तो फिर देव पूजन करने आज्ञा पाकर दोनों भाई श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या के पास गए और दोनों भाई माता के चरण दबा रहे हैं, कौशल्या माता के। कोमल वचन कह कह कर भरत जी ने सब माताओं का सत्कार किया और फिर भाई शत्रुघ्न को माताओं की सेवा में सौंप कर अपने निषाद को बुला लिया। निषाद और भरत जी का प्रेम देखिए, मैं दृश्य आपको बताता हूं कि भरत जी ने निषाद राज जी के गले में हाथ डाला हुआ है कि कितने सुंदर लग रहे हैं। भरत जी ने निषाद राज जी के गले में हाथ डाला हुआ है और उसके बाद अपने सखा निषाद राज के हाथ से हाथ मिलाए हुए भरत जी चल पड़े। देखिए दोनों लोग हाथ से हाथ मिलाए हुए किस प्रकार वहां पर घूम रहे हैं। प्रेम बिल्कुल भी थोड़ा नहीं है, इतना प्रेम दोनों के बीच में हो रहा है जिससे उनका शरीर शिथिल हो रहा है। भरत जी सखा से पूछते हैं कि मुझे वह स्थान दिखलाओ जहां मेरे नेत्र को और मन की जलन मेरी शांत हो जाए, अर्थात मुझे वो स्थान दिखाइए निषाद राज जी जहां पर मेरे प्रभु ने आराम किया था, लेटे थे, बैठे थे, मुझे उस रज को दिखाइए, उस स्थान को दिखाइए, मेरे प्रभु मेरे राघव जी कहां ठहरे थे। जहां से ये राम लखनऊ निसी सोए, कहत भरे जल लोचन कोए, भरत बचन सुनि भयउ बिषादु, तुरत तहां लई गयउ निषादु। जहां सिन सुपपु नित तर रघुबर, किए विश्रामु अति सनह सादर, भरत कीन्हेउ दंड प्रणामु। मेरे राम राम राम,
सीताराम 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 राम राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम। कि भरत जी वो स्थान पूछ रहे हैं कि जिनसे मेरे नेत्र और मनों की मेरे मन की जलन शांत हो जाए, जहां सीता जी श्री राम जी और लक्ष्मण जी रात को सोए थे, कहां सोए थे मेरे राघव जी, मेरे राम जी कहां सोए थे, लक्ष्मण जी और माता जानकी कहां सोए थे। ऐसा कहते ही उनके नेत्रों के कोयों में जल भर आया, प्रेम अश्रु बहने लगे। भरत जी के वचन सुनकर निषाद को बड़ा विषाद हुआ, बड़े दुखी हो गए निषाद जी। भरत जी का इतना प्रेम जानकर निषाद जी को बड़ा विषाद हो रहा है, बड़ा शोक हो रहा है, और वह तुरंत ही उन्हें वहां पर लेकर गए जहां सिसुपा पुनीत तर रघुबर किए विश्रामु, अति सनहे सादर भरत कीन हे उ दंड प्रणामु। जहां पवित्र अशोक के वृक्ष के नीचे श्री राम जी ने विश्राम किया था, आराम किया था, भरत जी ने वहां अत्यंत प्रेम से आदर पूर्वक दंडवत प्रणाम किया। उस स्थान को देखते ही जहां पर प्रभु श्री राम जी ने विश्राम किया था, भरत जी दंडवत हो गए, लेट गए। आइए आगे की चौपाइयों का दर्शन करते हैं। राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। सीता राम जय सीता राम, सीता राम जय सीता राम, सीता राम जय सीता राम, सीता राम जय सीता राम। साधरिनी हारि सुहाई, कीन प्रणाम प्रदक्षिण जाई, चरण रेख रज आँखिन लाई, भलई न कहत प्रीति अधिकाई। कनक बिंदु दुई चारिक देख, राख शीश सिए समले के, सजल बिलोचन हृदय गलानी, कहत सखासन वचन सुमान। शीहत सिए बिरहा दुतिहीना, जथा अवध नर नारी बिलीना, पिता जनक देउ पट तर के, कर तल भोग जोगु जग दे। ससुर भानु कुल भानु बुआल, जे ही सिहत अमरावती पाल, कान नाकु रघुनाथ गोसाई, जो बड़ हो तो राम बड़ाई। राम मेरे राम, राम राम सीता राम, सीता राम सीता राम राम। पति देवता सुति अमनि, सिए साथरी देखी, बिहरत हृदय न हरि हर, पवित कठिन विशेषी। मेरे राम मेरे राम, राम राम सीताराम, सीताराम सीताराम, राम राम। कुस साथरी निहारी सुहाई, कीन प्रणामु प्रदक्षिण जाई। प्रदक्षिण कहते हैं प्रदक्षिणा, अर्थात परिक्रमा करना। कुस होती हैं तिनके जो होते, जिनसे चटाइयां बनती है, तो चटाई जिसे बोलते हैं ना, उसे साथरी बोलते हैं। कुशों की सुंदर साथरी देखकर उसकी प्रदक्षिणा करके प्रणाम किया। भरत जी ने जो कुशों की सुंदर साथरी देखी,
और जो अशोक वृक्ष देखा तो उन्होंने पहले क्या किया, उन्होंने पहले परिक्रमा करी और प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्हों की रज आंखों में लगाई। निषाद राज ये क्या देख रहे हैं कि भरत जी सोच रहे हैं कि प्रभु के चरण दर्शन तो नहीं कर पाया, प्रभु की चरणों की रज को आंखों में लगा लेता हूं। उस समय के प्रेम की अधिकता कहते नहीं बनती, इतना अधिक प्रेम भरत जी के मन में उमड़ रहा है। भरत जी ने दो चार स्वर्ण बिंदु, स्वर्ण बिंदु क्या होते हैं, जो सोने के कण होते हैं या तारे होते हैं जो सीता जी के गहनों से छूट के गिर गए होंगे, या कपड़ों में चमकीली लगी होती है ना सोने की, वो छूट के गिर गई होगी, तो उनको उठा लिया और उनको देखा तो उनको सीता जी के समान समझकर सिर पर रख लिया। उन्होंने उन सोने के कणों को अपने सर पर रख लिया। उनके नेत्र जल से भर गए, प्रेम आश्रु बहने लगे, प्रेम के आंसू बहने लगे, हृदय में ग्लानी होने लगी, संताप होने लगा कि वे सखा से सुंदर वाणी में वचन बोले। क्या कहते हैं भरत जी निषाद से कि ये स्वर्ण के कण या तारे भी सीता जी के विरह से ऐसे कांतिहीन हो गए हैं, इनकी शोभा चली गई है इन सोने की कणों की, जैसे राम वियोग में अयोध्या के नर नारी विलीन हो रहे हैं, शोक के कारण सारी प्रजा अयोध्या की क्षीण हो रही है, विलीन हो रहे हैं शोक में। जिन सीता जी के पिता जनक हैं, राजा जनक हैं, जिनको इस जगत में भोग और योग दोनों ही मिले हुए हैं, कि एक मुट्ठी में उनके योग है और एक मुट्ठी में उनके भोग है, उन जनक जी को मैं किसकी उपमा दूं। सूर्य कुल के सूर्य राजा दशरथ जी जिनके सरू ससुर हैं, जिनको अमरावती के स्वामी इंद्र भी सिहाते हैं, कि दशरथ जी को अमरावती के स्वामी इंद्र भी देख देख कर सिहाते थे, इच्छा करते थे कि उनके जैसा ऐश्वर्य प्रताप हमको भी मिलना चाहिए, कि राजा दशरथ का इतना प्रताप है। और प्रभु श्री रघुनाथ जी जिनके प्राणनाथ हैं, मेरी माता जानकी, कि जिनके पिता जनक हैं, जिनके ससुर राजा दशरथ हैं, और जिनके प्राणनाथ श्री रघुनाथ जी हैं, मेरे राघव हैं, जो इतने बड़े हैं कि जो कोई भी बड़ा होता है वे श्री रामचंद्र जी की दी हुई बड़ाई से ही बड़ा होता है। उन श्रेष्ठ प्रतिव्रता स्त्रियों में शिरोमणि सीता जी की साथ रही कुछ सैया देखकर मेरा हृदय हाहाकार फट नहीं जाता, दहल कर फट क्यों नहीं जाता, मेरा हृदय तो वज्र से भी कठोर हो गया है, मेरे हृदय फट क्यों नहीं जाता कि मेरी माता इस चटाई पर सोई होगी, इस साथरी पर सोई होगी। देख देख कर भरत जी दुखी हो रहे हैं, हाय रे मेरी माता, चक्रवर्ती राजा दशरथ की बहू, राजा जनक की बेटी मेरे, और प्राणनाथ किसकी, रघुनाथ जी की प्राण प्रिया माता जान की, इस साथरी पर चटाई पर किस प्रकार सोई होगी, मेरा हृदय यह देखकर फट क्यों नहीं जाता, मेरे प्राण क्यों नहीं निकल जाते, मैं देख रहा हूं कि मेरी जान की माता मेरी वजह से इस साथरी पर सोती है। आइए आगे की चौपाइयां पढ़ते हैं। लालन जो गुलखन लगुलोनी हे न भाई अह ही न होनी, गुरजन प्रिय पितु मातु दुलारी, प्रिय रघुबीर ही प्राण पियारी, मृदु मूरति सुकुमार सुभाऊ, तात बाऊ तन लाग न खाऊ, देवन सह ही विपत्ति सब भांति, निदर कोटि कुलिस एहि छाति, राम जनमि जग कीन उजागर, रूप सील सुख सब गुण सागर, गुरजन परिजन गुर पितु माता, राम स्वभाव सबहि सुख दाता, बैरी राम पढ़ाई करही, बोलन मिलन विनय मन हरही, शारद कोटि कोटि सत शेषा, करि न सकहि प्रभु गुण गन लेखा, राम
मेरे राम, मेरे राम राम राम, सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम राम। कहिए सीता राम, मुझे लगता है आप लोग आज के पाठ को शेयर नहीं कर रहे हैं। आज बड़े कम श्रोता मुझे दिख रहे हैं। इस प्रकार श्रोता घटते रहेंगे तो कैसे आनंद आएगा इस राम कथा का। जल्दी जल्दी करिए, अधिक से अधिक मात्रा में इस राम कथा को शेयर कर दीजिए, प्रचार करिए, प्रसार करिए, हर सनातनी के घर में इस राम कथा को पहुंचा दीजिए। जितना आप राम कथा का प्रचार करेंगे उतना आप पुण्य के भागी बनेंगे। हम सद्कर्म क्यों करते हैं, कथा का आयोजन क्यों करते हैं, भंडारे क्यों करते हैं, क्यों हम पूजा पाठ करवाते हैं घर के अंदर, पुण्य कमाने के लिए। तो ये अच्छा मौका है, इस पाठ को शेयर करिए, इस पाठ को अधिक से अधिक प्रचार करिए, प्रसार करिए, ताकि अनेक से अधिक लोग इस पाठ को सुने, अधिक से अधिक इस पाठ लोग को सुने। इतना इसको प्रचार कर दीजिए, इतना शेयर कर दीजिए इस पाठ को। बहुत कम लोग मुझे दिख रहे हैं ऑनलाइन। जितना आपके माध्यम से लोग सुनेंगे उतना ही आप पुण्य के भागी बनेंगे। आप सुन तो रहे हैं, ये पहला पुण्य है, और आपके माध्यम से जो लोग सुनेंगे उतना आपका पुण्य है गुणज हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आगे भरत जी क्या कहते हैं कि श्रेष्ठ पतिव्रता स्त्रियों में शिरोमणि सीता जी की साथ रही कुछ सैया देखकर मेरा हृदय दहल कर फट नहीं जाता। हे शंकर, मेरा वज्र से भी अधिक कठोर हृदय हो गया है, जो सब देख रहा है, मेरा हृदय फट नहीं रहा है। मेरे छोटे भाई लक्ष्मण बहुत ही सुंदर और प्यार करने योग्य हैं। ऐसे भाई ना तो किसी के हुए हैं और ना ही होने हैं। जो लक्ष्मण अवध के लोगों को प्यारे हैं, माता पिता के दुलारे हैं और श्री राम सीता के प्राण प्यारे हैं, जिनकी कोमल मूर्ति और सुकुमार स्वभाव है, स्वभाव बड़ा सुकुमारों जैसा है, जिनके शरीर में कभी गर्म हवा भी नहीं लगी, वे वन में सब प्रकार की विपत्तियां सह रहे हैं। हाय, मेरी इस छाती ने कठोरता में करोड़ों वज्रों का भी निरादर कर दिया। मेरी छाती इतनी कठोर हो गई, मेरा हृदय फट क्यों नहीं जाता, नहीं तो ये कभी की मेरी फट गई होती। लगता है मेरी छाती वज्र से भी कठोर हो गई है। राम जनमी जगु कीन उजागर रूप सील सुख सब गुण सागर। श्री रामचंद्र जी ने जन्म लेकर अवतार लेकर जगत को प्रकाशित कर दिया है, परम सुशोभित कर दिया है। वे रूपशील और सुख समस्त गुणों के समुद्र हैं। मेरे राघव जी ऐसे सिंधु हैं, ऐसा समुद्र है कि जिसमें रूपशील सुख और सारे गुण समाये हुए हैं। अंजू शर्मा जी ने सहयोग राशि भेजी है, बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्ववासी कुटुंबी गुरु माता पिता सभी को श्री राम जी का स्वभाव सुख देने वाला है। मेरे राघव जी इतने प्यारे हैं कि उनके उनके लिए सारे पूर्ववासी कुटुंबी गुरु माता पिता सभी सुख पाते हैं मेरे राघव जी से। शत्रु भी श्री राम जी की बड़ाई करते हैं, बोल चाल मिलने के ढंग और विनय से वे मन को हर लेते हैं। राघव जी का स्वभाव कैसा है, हर आदमी को मेरे राघव जी जैसा बनना चाहिए। अगर आप राम कथा सुनते हैं ना तो राम बनना है आपको, राम जैसा चरित्र अपनाना है। कि ऐसे हैं श्री राम जी कि शत्रु भी श्री राम जी की प्रशंसा करते हैं, बड़ाई करते हैं, उनकी बोलचाल मिलने का ढंग और विनय से वो सबके मन को जीत लेते हैं। करोड़ों सरस्वती और अरबों शेष जी भी प्रभु श्री राम जी के गुण समूह की गिनती नहीं कर सकते, उनकी चर्चा नहीं करते गुणों की, इतने गुण मेरे राम जी के अंदर हैं। सुख स्वरूप रघुवंश मणि मंगल मोद निधान, ते सोवत कुश दासी मही विधि गति अति बलवान। मेरे राम,
मेरे राम 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 सीताराम 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 राम राम। जो सुख स्वरूप रघुवंश शिरोमणि श्री रामचंद्र जी का मंगल और आनंद के भंडार हैं, वे पृथ्वी पर कुशा बिछा कर सोते हैं। विधाता की गति बड़ी ही बलवान है, विधाता ने क्या कर दिया, समस्त ऐश्वर्यों में रहने वाले सबको सुख पहुंचाने वाले मेरे राघव जी आज कुशा की चटाई पर सो रहे हैं। आइए आगे की चौपाई का दर्शन करते हैं। राम जय जय राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम जय जय राम सीता राम जय सीता राम सीता राम जय सीता राम सीता राम जय सीता राम। राम सुना दुख कान न काऊ जीवन तरु जिम जोग बहिराऊ पलक नयन फनि मनि जेहि भांति जोग बहि जननि सकल दिन राति ते अब फिरत विपिन पद चारि कंद मूल फल फूल आहारि ढिक के कई आ मंगल मूला भैसि प्राण प्रिय तम प्रतिकूल दिग दिग अग उदधि अभागि कबूत पातु भयउ जेहि लागि कुल कलंक करि जयउ विधाता काई तो मोहि कीन कुमात सुनि सप रेम समुझाव निषाद नाथ करिय कत बाद विषाद राम तुम्हि प्रिय तुम प्रिय रामय जह निर्जो सुदो सुविधि पामहि मेरे राम 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 सीताराम राम। कहिए सीताराम, आप सभी लोग कमेंट में सीताराम लिख दिया करें, कथा में किस प्रकार आपको आनंद आता है बताया करें। और एक बात मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग कमेंट में लिख के बताते हैं कथा कैसी लग रही है। कई बार आपकी जो कमेंट्स हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं क्योंकि साफ नहीं लिखा होता है और पढ़ते समय सौम्य को बहुत दिक्कतें आती हैं। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप अपने अनुभव हमें वीडियो बनाकर भेजिए। वीडियो में हमारा जो फेसबुक मैसेंजर है इस पर आप वीडियो बनाकर हमें भेज दीजिए। वीडियो आपका 30 सेकंड से अधिक का ना हो तो हम उन वीडियो को अपलोड करेंगे अपने इस पेज पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, ताकि अन्य लोग आपसे प्रेरणा ले सकें। तो आप लोगों को राम कथा कैसी लगती है, आपको किस प्रकार के लाभ मिल रहे हैं, अपना वीडियो बना बना कर भेजिए। हम आपके वीडियो को अपने फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर और सभी सोशल मीडिया पर अपलोड करेंगे। कि मेरे राघव सबको सुख देने वाले कुशा की चटाई पर सोते हैं, विधाता की गति बड़ी ही बलवान है। राम सुना दुख कान न को जीवन तरु जिमी जोग वही राऊ। श्री रामचंद्र जी ने कानों से भी कभी दुख का नाम नहीं सुना, महाराज स्वयं जीवन वृक्ष की तरह उनकी सार संभाल किया करते थे। महाराज दशरथ बड़ा ख्याल रखते थे रघुनाथ जी का, सब माताएं भी दिन रात उनकी ऐसी ही सार संभाल करती थीं, जैसे पलक नेत्रों की और सांप अपनी मणि की करते हैं। श्री राम जी इतने लाड़ले थे अपने पिता के, अपनी माताओं के, आज वो सूखी चटाई पर सोते हैं। हाय विधाता, ये तूने क्या कर दिया। वो श्री राम अब जंगलों में पैदल फिरते हैं
और कंदमूल तथा फल फूलों का भोजन करते हैं। और शुरुआत में तो आपको पता है, शुरू के दो दिन तो राम जी ने और जानकी माता ने, लक्ष्मण जी ने कुछ खाया ही नहीं, कुछ उनको खाने के लिए ही नहीं मिला। दो दिन तक तो ऐसे ही मरे मारे फिरते रहे थे कि मेरे श्री राम जी अब जंगलों में पैदल फिरते हैं, कंदमूल तथा फल फूलों का भोजन करते हैं। अमंगल की मूल केकई, केकई को धिक्कार है जो अपने प्राण प्रियतम पति से भी प्रतिकूल हो गई, कि मेरी माता केकई को धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है, जिसको अपने पति भी प्यारे नहीं लगे और उनके प्रतिकूल हो गई। मैं धिग धिग अग उदधि अभागी, सबु उत्पातु भयउ जही लागी। अब भरत जी अपने आप को कोस रहे हैं कि मुझ पापों के समुद्र और अभागे को धिक्कार है, धिक्कार है, जिसके कारण ये सब कुछ उत्पन्न हुए, ये सब उत्पात हुए, मेरे कारण ही यह सब उत्पात हो रहे हैं। विधाता ने मुझे कुल का कलंक बनाकर पैदा किया है और कुमाता ने मुझे स्वामी द्रोही बना दिया है। मैं अपने ही स्वामी का, अपने रघुनाथ जी का, राघव जी का द्रोही हो गया हूं। सुनी सप्रेम समुझाव निषादु, नाथ करिया कतबादी विषादु। यह सुनकर निषाद राज प्रेम पूर्वक समझाने लगे कि हे नाथ, आप व्यर्थ विषाद किस लिए करते हैं। देखिए क्या सुंदर लाइन लिखी है कि राम तुम्हें, कि राम तुम्हें प्रिय, तुम प्रिय राम ही, कि श्री रामचंद्र जी आपको प्यारे हैं और आप श्री रामचंद्र जी को प्यारे हैं, यही निचोड़ है और यही निश्चित सिद्धांत है। दोष तो प्रतिकूल विधाता को है। राम जय जय राम सिया राम, सिया राम जय जय राम सिया राम, सिया राम जय जय राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। सीता राम जय सीता राम, सीता राम जय सीता राम, सीता राम जय सीता राम, सीता राम जय सीता राम। विधि बाम की करनी कठिन, जहि मातु की निबावरी, तेहि राति पुनि पुनि करहि प्रभु सादर सरहन रावरी। तुलसी न तुम सो राम प्रीतम, कहत हो सो हे किए, परिणाम मंगल जानी अपने आनिए धीर चूहिए। मेरे राम तेरे राम, तेरे राम राम राम, सीता राम सीता राम, सीता राम राम। अंतर जामी राम सकुच, सप्रेम कृपाए तन, चलिया करिया विश्राम, यह बिचारी दृढ़ आनी मन। मेरे राम राम राम, सीता राम सीता राम सीता राम राम राम। प्रतिकूल विधाता की करनी बड़ी कठोर है, जिसने माता केकई को बावली बना दिया, उसकी मति फेर दी। उस रात को प्रभु श्री रामचंद्र जी बार बार आदर पूर्वक आपकी बड़ी सराहना करते हैं। अरे प्रभु राम तो आपसे बड़ा प्रेम करते हैं, आपकी सराहना करते हैं, उन्हें आपसे कोई द्वेष नहीं है। फिर निषाद राज कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी को आपके समान अतिशय प्रिय और कोई नहीं है। मैं सौगंध खाकर कहता हूं, परिणाम में मंगल होगा यह जानकर आप अपने हृदय में धैर्य धारण कीजिए। यह बात सुनते ही भरत जी को बड़ा संतोष हो रहा है, बड़ा प्रेम हो रहा है।
श्री रामचंद्र जी अंतर्यामी तथा संकोच प्रेम और कृपा के धाम हैं, यह विचार कर और मन में दृढ़ता लाकर चलिए और विश्राम करिए। निषाद राज बड़े आराम से, बड़े संकल्प के साथ भरत जी को समझा रहे हैं कि आपके राम आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, आपकी बड़ी सराहना करते हैं। आइए आगे की छुपाइयों का दर्शन करते हैं। राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सीता राम जय सीता राम, सीता राम जय सीता राम, सीता राम जय सीता राम। सखा बचन सुनी उर्धर धीरा, मास चले सुमिरत रघुवीरा। यह स्तुति पाई नगर नर नारी, चले बिलोकन आरत भारी। पर दक्षिणा करी करही प्रणाम, देहि के गई ही भोरी निकाम। भरी भरी बारी बिलोचन लेही, वाम विधातहि भूषण से। एक सरा रही भरत सने हूँ, को कहन पति निभाहे उने हूँ। निंद ही आप सराही निषाद ही, को कहे सकई भी मोह विषाद। यही विधि राति लोगू सब जाग, भाव भिनुसार उतारा लाग। गुरहि सुनाव चढ़ाई सुहाई, नाम सब माथु चढ़ाई। दंड चरी मह सब पारा, उतरी फरत तब सब ही संभारा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। मेरे राम मेरे राम, मेरे राम राम राम, सीता राम राम राम। कि श्री राम जी अंतर्यामी हैं, संकोच प्रेम और कृपा के धाम हैं, यह विचार कर मन में दृढ़ता लाकर चलिए और आप विश्राम करिए। भरत जी सखा के वचन सुनकर हृदय में धीरज धरकर श्री राम जी चंद्र जी का स्मरण करते हुए भरत जी डेरे को चल पड़े। नगर के सारे स्त्री पुरुष यह समाचार पाकर बड़े आतुर होकर उस स्थान को देखने चले जहां पर श्री राम जी ठहरे हुए थे। वे उस स्थान की परिक्रमा करके प्रणाम करते हैं और केकई को बहुत दोष देते हैं, नेत्रों में जल भर लेते हैं और प्रतिकूल विधाता को दूषण देते हैं, यानी कोसते हैं विधाता को। कोई भरत जी के स्नेह की सराहना करते हैं और कोई कहते हैं कि राजा ने अपना प्रेम खूब निभाया। सब अपनी निंदा करके निषाद की प्रशंसा करते हैं और उस समय के विमोह और विषाद को कौन कह सकता है। विमोह मतलब होता है दुख संताप, विषाद मतलब शोक। तो वहां पे उस समय इतना दुख दर्द और संताप है कि उसकी क्या कही जाए। इस प्रकार रात भर सब लोग जागते रहे। सवेरा होते ही खेवा लगा, खेवा मतलब घाट लगने लग गए, नावों की तैयारी शुरू हो गई। सुंदर नाव पर गुरु जी को चढ़ाकर फिर नई नाव मंगाकर सब माताओं को चढ़ाया गया। पहले गुरु जी बैठे नाव में, फिर माता जी नावों पर सवार हुई। चार घड़ी में सब गंगा जी के पार उतर गए। तब भरत जी ने उतर कर सबको संभाला। भरत जी सबसे पहले उतरे और सबको संभाला उतरने के लिए। तो इस प्रकार गंगा जी सब लोग पार कर गए।